अब भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि मोदी जी ऐसा कहर ना ढाएं। आइए और जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में एक साथी और हैं। सर, जब इन लोगों का सिलेक्शन होता है या इनमें मिलिट्री फार्म हाउस के अंदर रखा जाता है तो क्या इनका मापदंड होता है? सर, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मैं सुपरवाइजर राज बहादुर सिंह रॉयल, मिलिट्री फार्म उधमपुर जम्मू कश्मीर से। जब ये हम लेबर रखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जानवरों के साथ काम कर सके, क्योंकि इनके साथ काम करना ये कोई 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है। ये सुबह 3 बजे से लेके आ जाते हैं और रात के 11 बजे तक काम करते हैं। सोशल लाइफ इनकी जीरो है, इनकी ज़िंदगी जानवर के साथ, जानवर को पालने में पल जाती है। जो ये आर्मी बजट खर्च करती है उसका कोई रिटर्न नहीं होता। एक गोला फटा, खत्म हो गया, हवाई जहाज गिरा, नष्ट हो गया। सॉरी, लेकिन मिलिट्री फार्म एक अकेली ऐसी यूनिट है जो फौज को दूध पैदा करके दे रहे हैं, और कोई यूनिट फौज की कुछ पैदा करके नहीं देती है। वो मार्केट से खरीदती और आगे दे देती है। तो इसलिए हमारी यूनिट का एक सारा टोटल बजट 350 करोड़ लगभग है। इस बजट में इतने लोग पल रहे हैं, इसके साथ इतने जानवर पल रहे हैं, और 25,000 गायों का आज पूरे इंडिया में या एशिया के कई कंट्रियों में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके पास इतने जानवर हों, और हम इतने अच्छे जानवर को पाल रहे हैं, इतनी अच्छी ब्रीड को मेंटेन कर रहे हैं। मैं IVRI बरेली में गया, मैं पूसा इंस्टीट्यूट में गया, मैंने एक दो साइंटिस्ट से मिला, सर आपने कहाँ से PhD की है एनिमल हस्बेंड्री में? कहते हैं मिलिट्री फार्म से डाटा लिया था। वो जितने पिछले आप गिनेंगे साइंटिस्ट सीनियर्स, more than 90% ने डाटा हमारे मिलिट्री फार्म से ही कलेक्ट किया है, नहीं तो किसी भी डिपार्टमेंट के पास डाटा ही नहीं होता था। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जो भी लोग हैं कि इस जानवरों पे तरस खाएं, इतनी अच्छी ब्रीड को नष्ट ना होने दें। ये देश की एक वैल्यूएबल एसेट है, अगर ये खत्म हो गई तो ये दोबारा कोई पैदा नहीं कर पाएगा। सर, एक फार्म हाउस के अंदर लगभग कितने कर्मचारी होते हैं जो ये जो काम करते हैं? मीडियम साइज का फार्म है जिसमें 450 से 500 जानवर हैं, उसमें करीब 100 से 120 आदमी काम कर रहे होते हैं। अगर 900,000 का है तो उसमें करीब 150 आदमी काम कर रहे होते हैं। अम्बाला में 250 आदमी काम कर रहे हैं, 300 आदमी काम कर रहे हैं, जहाँ पे 1700-1800 जानवर हैं। सर, कितने फार्म हाउस हैं ये इंडिया के अंदर? 39 इस वक्त हैं। 39 जी। टोटल कर्मचारियों की स्ट्रेंथ कितनी होगी? करीब परमानेंट 1700-1800 आदमी हैं, और कच्चे लोग हमारे करीब 2500 होंगे मैक्सिमम। तो इतने आदमियों का एडजस्ट करना कोई भारत सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं है। इन गरीबों की शक्ल देखिए, आप फोटो करके इनकी देखिए, किस उम्र के ये लोग हो गए हैं, कहाँ इनको रोजगार मिलेगा अब? सर, ये आपने बताया कि ये मिलिट्री के जो फार्म है, दूध पैदा कराया किया जाता है, सर ये क्या ये आपको लगता है कि सोल्जर जो सिपाही हैं या हवलदार हैं या इंस्पेक्टर रैंक तक के इन दूधों को पीते हैं, या अफसर शाही इसमें चल रही है? सर, अफसर शाही चलो तो ये चलाते हैं, अफसर अपने आप पहले प्रायोरिटी देता है कि मुझे दे दो, लेकिन ये जवानों के साथ करते हैं। बकरे का मीट पास होता है और बड़े भैंसे का मीट इनको सियाचिन में सप्लाई होता है, ये पहले भी हुआ है। तो यही हाल दूध में है कि बाजार जवानों के लिए तो बाजार से मिक्स वाला जो पैकेट आ रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, अफसर लोग हमसे मिलिट्री फार्म का दूध ले रहे हैं। धन्यवाद।